जातक कथा नंबर 171। कल्याण धम्म जातक के नाम से इसको जानते हैं। कल्याण माने होता है अच्छा, जातक माने जाति होता है, और धम्म माने प्राकृतिक नियम। कल्याण धम्म जातक, ये जो कथा है, ये कहानी, ये सावित्री की है, जिसको आज की डेट में श्रावस्ती बोलते हैं। तो सावित्री या श्रावस्ती में एक नगर सेठ रहता था। नगर सेठ की पत्नी थी। पत्नी अपने मायके जाती है और उसकी जो माता है, यानी उसकी जो अम्म है, उसकी जो माँ है, वो थोड़ा सा ऊंचा सुनती है। तो वो पूछती है, जैसे सब माएँ अपनी बेटी से पूछती हैं, तेरा पति ठीक है, तुझे सुखपूर्वक रखता है या नहीं है, पैसे वैसे की कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ ऊंचा तो नहीं बोलता है, प्रताड़ित तो नहीं करता है, खाने पीने का ध्यान रखता नहीं रखता है, तेरी इज्जत करता है या नहीं करता है। तो जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है, अम्म मैं क्या बताऊँ आपको, आपका जो दामाद है, मेरे जो पति हैं, वो इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं कि कोई प्रवज्जित भिक्कु, यानी जो प्रवज्जित भिक्कु है, वो भी ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उस समय जो भिक्कु हैं वो सबसे श्रेष्ठ और सबसे बढ़िया माने जाते थे, प्रवज्जित होने वाले भगवान बुद्ध के संघ के, क्योंकि वो सारे सारे रत्न थे, शुद्ध थे। तो उनसे उनसे वो तुलना कर रही है और वो उनसे भी अच्छा बता रही है। अब जो माँ है, ऊंचा सुनती है, उसने बाकी सब तो सुना नहीं, उसने प्रवज्जित शब्द सुन लिया, प्रवज्जित शब्द सुन लिया, और उसने चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि बेटी से उसको बड़ा मोह है, बड़ा प्यार है। अरे इसका तो स्वामी प्रवज्जित हो गया, घर का स्वामी तो प्रवज्जित हो गया, भिक्कू बन गया, वो तो अब तप करेगा, वो तो गृहस्थी में रहेगा नहीं, मेरी बेटी तो बर्बाद हो गई, मेरी बेटी तो लुट गई, अब कैसे होगा, क्या नहीं होगा। घर के बाकी लोग भी आए, उन्होंने पूछा, अम्म क्या हुआ? उन्हें कहा, स्वामी प्रवज्जित हो गया, दामाद प्रवज्जित हो गया, घर का क्या होगा। इतना सुनते ही वो भी रोने चिल्लाने लगे। बात आसपास फैली तो मोहल्ले के और भी लोग आ गए, नगर के और लोग आए, और वहाँ रोना धोना शुरू हो गया, क्योंकि बेटी से प्यार है और पति प्रवज्जित हो जाए तो बेटी का कैसे होगा, सुखपूर्वक जिंदगी खत्म हो जाएगी, माँ का तो यही लालच है। उधर जो वो नगर सेठ था, वो श्रावस्ती सावित्री के जो राजा थे उनसे मिलकर लौट रहा था। जब वो लौट रहा था तो रास्ते में किसी ने कहा, अरे आप तो प्रवज्जित हो गए, और उनको दो बार तीन बार नमस्कार किया। आगे कुछ लोग और मिले, उन्होंने उनको दो तीन बार नमस्कार किया और कहा, धन्य है, आप तो प्रवज्जित हो गए, बहुत अच्छा किया आपने, आपने प्रवज्जा ग्रहण कर ली, आप भिक्खु हो गए। तो वो जो पति थे उन्होंने सोचा कि अरे अभी तो मैं प्रवज्जित भी नहीं हुआ, ये लोग मुझे इतना मान सम्मान दे दे रहे हैं, अब इन्होंने ये धारणा बना ली है तो इस नाम का मुझे दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अगर मुझे ये कोई अच्छी बात ये लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो मुझे कर देनी चाहिए। और ऐसा सोच के वो दोबारा राजा के पास जाता है और राजा से हाथ जोड़ के कहता है, क्योंकि वो नगर सेठ होता है, नगर की जिम्मेदारी है व्यापार की, कि अब मैं प्रवज्जित होना चाहता हूँ। राजा उसको अपने साथ बैठा के और जैतवन आराम में, यानी जैतवन जो बिहार था, वहाँ लेके जाते हैं, और वहाँ सास्था भगवान जो बनते हैं, यानी कि बुद्ध हैं, वो बैठे हुए हैं। वहाँ जाके वो नगर सेठ प्रवज्जा के लिए अनुरोध करता है। भगवान बुद्ध उसकी मनोस्थिति देखते हैं, समझते हैं, और उसको प्रवज्जा ग्रहण करने के लिए अनुमति दे देते हैं। वो प्रवज्जित हो जाता है। ये कहानी अपने आप में बड़ी प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए है क्योंकि अगर कोई अच्छे काम के लिए आपका नाम रख दे तो वो अच्छा काम कर देना चाहिए। आपने एक पिक्चर देखी होगी, गाइड नाम था, देवानंद की पिक्चर थी। उस गाइड में वो जो लोगों को स्कल्पचर्स के बारे में या पुरानी जितनी भी खुदाई होती थी, जहाँ जहाँ पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती थी, कला वस्तु मिलती थी, वहाँ का वो गाइड था। वो गाइड होता है, गाइड होने के बाद में कहानी आगे बढ़ती है, फिर वो वहाँ से भाग जाता है और एक मंदिर में जाके छुप जाता है, शरण लेता है, और मंदिर में जाके एक वो जो भगवा वस्त्र है उसको पहन लेता है। लोग उसको पुजारी समझते हैं, और वहाँ अकाल पड़ा होता है, बारिश नहीं होती है, लोग उसमें आस्था जताते हैं और उसको वहाँ एक तरह से बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं।
वो उनका मान इज्जत रखने के लिए उनके साथ हो जाता है। बारिश तो बाद में हो जाती है, तो मगर अच्छी बात यह है कि जो गाइड है वो मन से शुद्ध होता हुआ पवित्र तरह से हो जाता है, जो उसके मन में मल होता है वो सारा निकल जाता है। ऐसी पिक्चर आपने देखी होगी, और भी बहुत सारी हैं। परवरिश पिक्चर आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना हीरो थे। उसमें विनोद खन्ना और अमिताभ का जो बचपन का दिखाया गया दृश्य, उसमें एक पुलिस वाले का बेटा होता है और एक डाकू का होता है। डाकू मर जाता है तो वो बच्चे को अपने घर में ले आता है, दोनों बच्चों की परवरिश एक साथ होती है। मगर डाकू का बच्चा खेल खेल में पुलिस वाला बनता है जब छोटा होता है, और पुलिस वाले का बच्चा खेल खेल में डाकू बनता है, और बड़े होके वो ऐसे ही हो जाते हैं जैसा नाम उनका बचपन में होता है। यानी जिसको पुलिस वाला कहा वो पुलिस वाला बन जाता है, और जिसको डाकू कहा वो डाकू बन जाता है। इसलिए शुभ नाम की, अच्छे नाम की, और जो कल्याणकारी नाम है उसका एक बड़ा प्रभाव होता है। अगर आपको कोई अच्छा बोलता है, अच्छा कहता है, तो आप वैसे ही बनते चले जाते हैं, और अगर आपको कोई ख़राब नाम देता है और ख़राब नाम अगर बोलेगा तो आप वैसे ही होते चले जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें इस कथा के अनुसार कि किसी को भी खराब नाम ना दें, और कोई अगर आपको खराब नाम देता है तो उसको एक्सेप्ट ना करें, उसका दृढ़ विरोध करें कि मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम अच्छा नाम है, और अगर आपका नाम अच्छा नहीं है तो अच्छा ही रखें। जिसको एक बार साहब कहते हैं वो सचमुच में साहब बन सकता है, जिसको एक बार चोर कहते हैं उसका मन चोर जैसा होना शुरू हो जाता है। ये इस कथा का जानकारी है, ये इस कथा की पूरी पूरी शिक्षा है। धन्यवाद।